हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन या मल्टीपल इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू टू ए एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई। यानी कि हमें इस डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ये जो एरिया है, यानी जो रीजन है हमें गिवन है, वो रीजन यानी रीजन कौन सा इस डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स के लिए, जो रीजन हमें गिवन है वो रीजन बाउंडेड है एक्स एक्सिस से, एक इक्वेशन है या एक कर्व है एक्स इक्वल टू टू ए और एक साथ में एक कर्व और दे दिया हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई से। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस मल्टीपल इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। लिमिट कहां से आएगी, जो हमारा बाउंडेड रीजन है, जिस बाउंडेड रीजन के लिए हमें इस डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है, जिस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। तो जो बाउंडेड रीजन है उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कर्व को ट्रेस करना होगा। कर्व को ट्रेस करने के बाद, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था, वाई एक्सिस के पैरेलल इसमें स्ट्रिप हमें शो करनी होगी फॉर टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम एक कर्व ट्रेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कर्व। तो देखिए, गिवन कर्व जो हमारे पास है, एक तो है एक्स एक्सिस, जैसा कि हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है यहां पे एक्स एक्सिस, इसके अलावा ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू टू ए। अब देखिए जरा, एक्स इक्वल टू टू ए ये क्या चीज होगी, एक्स इक्वल टू टू ए क्या होगा, एक्स या वाई के इक्वल में कभी भी कोई कॉन्स्टेंट नंबर अगर आ जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। x के इक्वल में भी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए या y के इक्वल में कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो कहां होगी, अगर x इक्वल टू है तो हमें मालूम है कि x इक्वल टू जीरो कहां आता है, y एक्सिस पे होता है। तो x इक्वल टू जीरो अगर y एक्सिस है तो a डिस्टेंस, मान लो अगर मैं a डिस्टेंस ये मान लूंगा तो x इक्वल टू a ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू टू a ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस है 2a वो आप कितनी मेजर, कितना मेजरमेंट उसका लेना चाह रहे हो। अगर आपने 2a डिस्टेंस इतनी कंसीडर की है तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर a, अगर आपने 2a डिस्टेंस यहां तक काउंट की है तो ये 2a यहां तक आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये ओनली आप पे डिपेंड करता है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्व बनने वाला है वो होगा कैसा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो मेजर है वो आपको करना है। तो मैं यहां पे x इक्वल टू टू ए, हमें ये मालूम है कि x एक्सिस y एक्सिस पे x इक्वल टू जीरो ये होता है तो y एक्सिस के पैरेलल ही कोई स्ट्रेट लाइन होगी। और मैं ये जो पॉइंट है ये मैं कंसीडर कर लेता हूं 2a कॉमा जीरो, तो x इक्वल टू टू ए की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से हमारे यहां पे शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 2a यहां कंसीडर करेंगे तो यहां आपको वहां से पास आउट करना होगा। अब इसके बाद एक कर्व और हमारे पास गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। अब ये क्या चीज है, हमने पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ी है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पैराबोला की फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए। क्या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो कि क्या है, एक तरह से पैराबोला ही तो है, पैराबोला है। हमें जस्ट आइडिया लेना है कि हमारा जो कर्व है वो कैसा बनने वाला है, तो हमें ये पता चल गया कि एक पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए। आप वैल्यूज पुट कर लो एक्स जगह, वाई की आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी, उसके बिहार पर एक कर्व टेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहां आपको कर्व के लिए पॉइंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी आपको चाहिए कि एक्चुअल में कर्व ट्रेस कैसा होगा, वो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूं। हमें तो क्या चाहिए, देखो एक्स की डिग्री क्या है, यहां पे क्लियरली पता चल रहा है एक्स की डिग्री इवन है और वाई की डिग्री है, वाई की डिग्री ओड है, ये हमें पता है। और मैंने इसके लिए पहले भी आपको बताया था कि अगर एक्स की डिग्री इवन है तो सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर वाई की डिग्री इवन है तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमें ये आइडिया है, एक्स की डिग्री इवन है तो सिमेट्री किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी कि जो हमारा पैराबोला यहां पे ट्रेस होने वाला है उस पैराबोला के लिए जो कर्व बनेगा उसकी जो सिमेट्री होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि जो कर्व हमारा बनेगा वाई एक्सिस के पैरेलल जो सिमेट्री हो जाएगी तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्लियर है। अब यहां जो चीज देखने वाली है, जो चीज आपको पॉइंट पॉइंट आउट करने वाली, वो क्या है, आप हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कर्व जो वाई इक्वल टू जो हमने अभी लिया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए का, क्या ये कर्व इस एक्स इक्वल टू टू ए की लाइन को कभी ना कभी कहीं ना कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। ये बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू ए तो जितना आपको एरिया दिख रहा है वो कंप्लीट एक्स इक्वल टू टू ए की स्ट्रेट लाइन होगी, जितना भी बोर्ड आपको नजर आ रहा है, या मैं कहूँ और ऊपर तक मैं बढ़ा दूं इसको
तो ये x इक्वल टू 2a तो चलेगा, चाहे वो यहाँ खत्म हो जाए चाहे और खत्म हो जाए। और y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू x स्क्वायर जो पैराबोला है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, वैल्यूज पुट करते रहेंगे इनफाइनाइट तक कर्व हमारा चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो हमें मालूम होना चाहिए। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है, ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया दो कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उन दोनों कर्व की इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे, ये दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, इस कर्व की इक्वेशन है x इक्वल टू 2a और इस कर्व की इक्वेशन है ये, तो इस कर्व में x की वैल्यू पुट कर देते, देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और किस कौन सा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू 2a का इस कर्व को, तो यहां पे x की जगह वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, देखिए 2a का होल स्क्वायर अपॉन 4a दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन 4a या फिर a। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2a पुट करने पर y हमें क्या मिला, a, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 2a, a, क्लियर है। और ये हमारे पास पॉइंट होंगे 2a, 0 क्योंकि x की डिस्टेंस जितनी यहां से 2a उतनी तो ये भी है, लेकिन x एक्सिस y जीरो है तो इसलिए जीरो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्ट्रिप कट करनी है। स्ट्रिप जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, स्ट्रिप हमें कहां कट करनी है, कैसे कट करनी है, हमें स्ट्रिप कट करनी है y एक्सिस के पैरेलल। और कहां कट करनी है, हमें कट करनी है उस रीजन में जो रीजन हमें क्वेश्चन में गिवन है। और रीजन क्या गिवन है, वो रीजन जो तीनों एक्सिस से बाउंडेड हो, तीनों कर्व से बाउंडेड हो, कौन कौन से कर्व से, x एक्सिस से, x इक्वल टू 2a वाले कर्व से और इस पैराबोला से। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि वो तीनों कर्व, वो जो एरिया, वो जो रीजन है, वो ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों कर्व से बाउंडेड है, वो है ये। इसको ओरिजिन से पास आउट करवा रहे ना भाई, थोड़ा सा मैंने ये कुछ इस तरह से पैराबोला बनेगा। तो ये जो कर्व है, ये जो एरिया है, इस ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इस एरिया में हमें लिमिट्स चाहिए, कौन सा एरिया, ओ ए एंड बी। इस एरिया में हमें इस गिवन क्वेश्चन की, गिवन इंटीग्रल की लिमिट्स को फाइंड आउट करना है सबसे पहले, फिर पुट करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन में वाई एक्सिस के पहला स्ट्रिप शो करूंगा, उसके बाद आपका आंसर मैच कर लेना। कभी भी डबल माइंड नहीं होना। कुछ बुक्स में ऐसा किया होगा कि आपको एक्स एक्सिस पहले भी स्ट्रिप शो की हुई है, कुछ बुक्स में वाई एक्सिस के पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं और कुछ बुक्स में मिक्स भी किए हुए हैं। लेकिन मैं यहां इस वीडियोस में आपको सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस चैप्टर के, उनमें सभी में वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट करने के बाद आपको आंसर मैच कर लेना, सेम मिलेगा। तो देखिए इस कंप्लीट रीजन में मैं यहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप शो कर देता हूं कुछ इस तरह से। इस कंप्लीट रीजन में वाई एक्सिस पहले मैंने एक स्ट्रिप शो कर दी। अब यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर यहीं क्यों शो की, यहां पे भी तो शो कर सकते हैं, यहां भी तो हम शो कर सकते हैं, आपने यहीं शो क्यों की है। तो देखिए आप कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी इस स्ट्रिप को शो कर लीजिए, चाहे तो आप यहां शो कर लो, चाहे आप इसको यहां शो कर लीजिए, इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रिप के दोनों साइड का जो कर्व है वो सेम रहेंगे। यानी इसका लोअर पार्ट कहां टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, अपर पार्ट कहां टच कर रहा है, पैराबोला को। तो ये स्ट्रिप जब आप यहां पे भी शो करोगे तब भी इसके दोनों साइड के जो कर्व है, एक्स एक्सिस और पैराबोला, सेम ही रहेंगे। आप इसको यहां पे भी शो कर लोगे तब भी वो सेम ही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होने वाला। जब एरिया चेंज हो जाएगा तब उसके लिए हम दो स्ट्रिप कट करेंगे। जैसे जैसे एरिया चेंज होगा मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो उतनी ही हमारी स्ट्रिप कट होंगी। अभी तो हम एक स्ट्रिप वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंगल स्ट्रिप का, क्योंकि एरिया सभी जगह सेम है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिप, जो वाई का ये स्ट्रिप किसकी है, वाई की है। क्यों, क्योंकि हमने वाई एक्सिस के पैरेलल इसे कट किया है। अगर ये स्ट्रिप वाई की है तो ये वाई एक्सिस, सॉरी वाई की लिमिट्स देगा। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने शो की होती तो x की लिमिट्स हमें देता। तो सबसे पहले ये स्ट्रिप हमें किसकी लिमिट देगी, y की। y की लिमिट कैसे देगी, लोअर पार्ट जहां टच कर रहा है, इसका लोअर पार्ट जहां टच कर रहा है, जिस एक्सिस को टच कर रहा है, वहां की जो इक्वेशन है वो इसकी लोअर लिमिट होगी। देखिए कैसे, x एक्सिस को टच कर रहा है, ये तो क्लियरली हमें पता चल रहा है। x एक्सिस पे इसकी इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की y = 0। x एक्सिस पे y 0 होता है, हमें सबको मालूम है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, लिख देंगे लिमिट ऑफ x, सॉरी y, y वेरियस फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू कहां तक। सबसे पहले को इस एरिया में हम काउंट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इस एरिया में हम स्ट्रिप को काउंट आउट कर रहे हैं, ओ ए बी ओ, इस एरिया को हमें काउंट करना है। तो उसमें y की लिमिट्स, लोअर लिमिट तो आ गई 0,
क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे इसकी लोअर लिमिट लोअर पार्ट जो है वो टच कर रहा है। अपर पार्ट कहां टच कर रहा है? एक पैराबोला को, इस पैराबोला को। इस पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास ये, तो ये इसकी अपर लिमिट होगी। यानी कहां से कहां तक? y इक्वल टू जीरो टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए तक। जिसकी स्ट्रिप हम कट करते हैं, मैं फिर बता देता हूं, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए, प्लीज प्लीज पहले वाली वीडियोस जरूर देख लें जो बेसिक्स मैंने बताया था। इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूं जो चीज है क्या, जिसके लिए हम स्ट्रिप शो करते हैं, जिसके लिए हम स्ट्रिप शो करते हैं, यानी वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप शो की है, तो स्ट्रिप के दोनों तरफ, दोनों साइड में जो कर्व है, जो दोनों साइड में कर्व है, उन दोनों साइड्स के कर्व की जो इक्वेशन है वो एज ए लिमिट काउंट होगी। दोनों साइड की जो इक्वेशन है वो एज ए लिमिट काउंट होगी। और जिसकी स्ट्रिप हम शो नहीं करते, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पहले स्ट्रिप शो नहीं की, तो उसके एक्स एक्सिस के जो दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों साइड्स के जो पॉइंट्स हैं, वो एज ए लिमिट काउंट होगी। इज दैट क्लियर? जिसकी स्ट्रिप कट हुई है उसके दोनों साइड्स की इक्वेशन एज ए लिमिट्स होंगी, जिसकी स्ट्रिप हम शो नहीं कर रहे उसके दोनों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जो हैं वो एज ए लिमिट्स शो होंगी। तो देखिए, हमने y एक्सिस पहले तो स्ट्रिप कट कर दी, तो दोनों साइड की जो इक्वेशन है वो उसकी लिमिट्स आ गई। अब x एक्सिस को देखिए, x की लिमिट कहां तक आएगी? इस बाउंडेशन में, यहां से यहां तक, o से लेकर b तक, क्योंकि x कहां तक लाई कर रहा है? इस बाउंड्री रीजन में, o से b तक लाई कर रहा है। तो o के पॉइंट्स हमारे पास है 0, 0 ओरिजन है, तो x कहां से स्टार्ट है? 0 से कहां तक? 2a तक। तो लिख देंगे लिमिट ऑफ x, x वेरियस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2a, ये आ गई x की लिमिट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या करना है, हमें इन लिमिट्स को जो हमने फाइंड कर ली वो हमें पुट करना है इस मल्टीपल इंटीग्रल में और उसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन कैसे? बाय द गिवन इंटीग्रेशन, जिसकी स्ट्रिप कट की है उसकी लिमिट्स अंदर की ओर पुट होंगी। यानी हमने स्ट्रिप y की कट की है तो y की लिमिट्स अंदर की ओर आएंगी, और जिसकी स्ट्रिप कट नहीं है उसकी लिमिट्स बाहर की ओर रहेंगी, कुछ इस तरह से। और दूसरी बात, जिसकी स्ट्रिप हमने कट की है उसको हम पहले सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, और पहले सोल्व किसको करते हैं? जिसकी लिमिट्स अंदर की ओर होती हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए हम जिसकी स्ट्रिप कट कर रहे हैं उसकी लिमिट्स अंदर की ओर पुट करें, क्योंकि हमें उसे पहले सोल्व करना है। ये हो गया। इसके अलावा क्या गिवन हमें? एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होगा? वाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि वाई के पहले हमने स्ट्रिप को शो किया है। तो जब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो एक्स की लिमिट, एक्स का फंक्शन और डी एक्स सब कांस्टेंट रहेंगे, ओनली वाई डी वाई, बाकी सब कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? 1/2, 0 से 2a, एक्स की लिमिट है ये, तो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर है, इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर है? 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16 2 = 32, तो 1/32 a स्क्वायर, लिमिट 0 से 2a, और यहां कितना रहेगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स, एक्स की पावर 5 डी एक्स। क्लियर यहां तक? अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, 1/32 ए स्क्वायर, एक्स की पावर 6/6, लिमिट 0 से 2a। ये हो गया। अब 2a की पावर 6/6 की पावर, सॉरी, एक्स की 6/6, तो ठीक है, तो 1/32 × 6, तो 6 2 = 12 2 1 18 19 192 a स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a की पावर 6, या फिर 64 a की पावर 6। तो जो भी है उसको सोल्व करें ना, 64 a की पावर 6/192 a स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ जाएगा a की पावर 4/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आंसर, कैलकुलेशन तो आप, इंटीग्रेशन सिंपल है जो आप कर लोगे, लेकिन जो हमारा काम है वो है इंटीग्रेशन की लिमिट्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, वैसे तो कोशिश किए नहीं हो, फिर भी अगर हो गई हो तो आप चेक कर लेना, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो इजीली। तो अब ये तो था इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें फाइंड आउट करना, किस में? जब क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। अब हम बात करते हैं जब क्वेश्चन पोलर फॉर्म में गिवन हो तब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन वो करते हैं हम जिसमें लिमिट्स गिवन होगी, पोलर फॉर्म है और लिमिट्स गिवन होगी, फिर हम बात करेंगे पोलर फॉर्म में जब लिमिट्स गिवन नहीं होगी और हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन पोलर फॉर्म के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स,
पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको लिमिट्स गिवन होगी तो कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, हालांकि विद लिमिट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ये एग्जिस्ट करे, विद लिमिट्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए, ये बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि ये इजी रहता है, बहुत इजी पोर्शन रह जाता है, क्योंकि आपको जस्ट डबल इंटीग्रेशन ही करना है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने जब कार्टेशियन फॉर्म के चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने उसमें बताया था कैसे आपको लिमिट्स जो है वो डिसाइड करनी है कि कौन सी लिमिट एक्स की है, कौन सी लिमिट वाई की है, और हम किससे पहले सोल्व करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे या वाई के रिस्पेक्ट। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पहले थीटा डी आर डी थीटा है तो हम पहले आर के लिए सोल्व करें कि पहले थीटा के लिए सोल्व करें, यहाँ हमेशा आर के रिस्पेक्ट पहले सोल्व होगा, चाहे लिमिट्स कैसे भी गिवन आपको क्वेश्चन में, चाहे डी थीटा डी आर है, चाहे डी आर अपॉन डी आर डी थीटा है, कुछ भी है, एंड में कुछ भी गिवन है, लेकिन आपको सबसे पहले सॉल्व आर के रिस्पेक्ट करना है। हमने वहां ऐसा क्यों किया था कि अगर एंड में डी एक्स है, सॉरी अगर एक्स की लिमिट अंदर की ओर है तो हम एक्स को पहले सॉल्व करेंगे, वाई की लिमिट अंदर की ओर है तो हम वाई को पहले सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्सिस की प्रॉब्लम थी कि कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिपेंड करती थी वैल्यूज, लेकिन यहां एक्सिस की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें मालूम है डी थीटा डी आर, आर की कौन सी एक्सिस होती है, आर की तो कोई एक्सिस नहीं होती है, ये जितनी भी एक्सिस हैं ये सब थीटा की है, क्योंकि यहां थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो पाई बाई टू पाई, तो इस तरह से रोटेट होता रहता है, पाई बाई टू एड होता रहता है, थ्री पाई बाई टू, तो कुछ इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। तो ये सब कुछ तो एक्सिस किसकी है, थीटा की है। अगर ये एक्सिस थीटा की तो आर क्या चीज है, आर क्या होगा, आर इज अ डिस्टेंस विच इज रोटेट विद द एंगल, एंगल के साथ साथ आर क्या है, रोटेट होती रहेगी, आर क्या रेडियस है, आर क्या चीज है, डिस्टेंस है किसी भी कर्व की जो डिपेंड करता है थीटा पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें आर को सोल्व करना है पोलर फॉर्म में, चाहे वो डी आर डी थीटा हो, डी थीटा डी आर हो, लिमिट्स कैसे भी गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सबसे दूसरी बात, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि थीटा की लिमिट कौन सी है और आर की लिमिट कौन सी है। तो बहुत सिंपल, इसमें तो ये क्या है, जीरो से पाई बाई टू, ये क्या होगा, एंगल होगा, एंगल किसके लिए होता है, थीटा के लिए होता है, सिंपल सी बात है, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई फोर, लिमिट्स अगर ऐसी तो गिवन होगी होगी, और ये ऐसी अगर लिमिट्स आ जाएगी तो वो चिंक चिंक कर चिल्ला चिल्ला कर खुद ही बोल रही है कि मैं थीटा की लिमिट हूं क्योंकि मैं एंगल हूं। अगर ये थीटा की लिमिट है तो जो रिमेनिंग है वो किसकी हो जाएगी, आर की हो जाएगी। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले किया था, क्या एक्स की लिमिट में एक्स नहीं आ सकता, वाई की लिमिट में वाई नहीं आ सकता, वैसे ही थीटा की लिमिट में थीटा नहीं आ सकता। इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, आर की है, क्लियर है। वैसे तो एंगल बता देगा कि थीटा की लिमिट हूं मैं, कोई भी एंगल है वो थीटा की लिमिट है, नेचुरल सी बात, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो आर की लिमिट है। दूसरी बात, थीटा खुद बोल रहा है कि थीटा की लिमिट में थीटा कभी नहीं हो सकता। तो अब कैसे करना है, हमें सबसे पहले सोल्व करना है आर के रिस्पेक्ट, और कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही, जब आर के रिस्पेक्ट हम पहले सोल्व करेंगे थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा, डी थीटा एंड लिमिट्स ऑफ थीटा, ऑल आर कॉन्स्टेंट। तो देखिए, तो जीरो से पाई बाय टू थीटा की लिमिट्स कॉन्स्टेंट ब्रैकेट्स के बार, आर की लिमिट 0 टू ए कॉस थीटा आर डी आर एंड साइन थीटा डी थीटा विच इज कॉन्स्टेंट ब्रैकेट से, इस तरफ हमने शो कर दिया उसको। सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट जब सोल्व करेंगे तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई टू, तो टू तो आ गया ये, आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर लिमिट 0 टू ए कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आर को हमने रिप्लेस करना है ए कॉस थीटा से, तो 1 बाय टू 0 टू पाई बाई टू आर पुट आर रिप्लेसिंग बाय ए कॉस थीटा, दैट इज ए कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स पुट की क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, तो इंटीग्रेशन से बाहर, लिमिट 0 से पाई बाई टू साइन थीटा पहले लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां तक आ गया हमारे पास। अब इसको हमें इंटीग्रेट को सोल्व करना है, ठीक है। और जैसा कि हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, आपने इलेवन ट्वेल्थ में बहुत बार किया होगा, क्या पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, किया पुट किया आंसर आ गया। लेकिन मैंने एक चीज आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक फंक्शन बताया था जो कि आपके लिए नया था, एक फंक्शन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस फंक्शन का नाम दिया था मैंने गामा फंक्शन। और मैंने बोला था कि इलेवन ट्वेल्थ के क्वेश्चन जो है उसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाता है, लेकिन हायर लेवल पे अब ट्वेल्थ के बाद जब आप बीएससी
या इंजीनियरिंग या कुछ और स्ट्रीम्स में आप जाते हो, जब इस तरह के इंटीग्रेशन आपको करने पड़ते हैं, तब विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की हेल्प से अगर आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि मार्क्स तो इसमें भी नहीं डिडक्ट होंगे आपके, अगर आप इसको कॉस थीटा को टी पुट करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, आंसर वही आने वाला है सेम। लेकिन थोड़ा ये कहा जाता है कि हमने हाई लेवल के पे कुछ सीखा है, कुछ नया सीखने को मिला है। तो गामा फंक्शन से जब मैं इसके लिए सोल्व करूंगा, तो पहले तो फार्मूला, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, फार्मूले में हमारे लिए क्या होना चाहिए गामा फंक्शन को सोल्व करने के लिए, लिमिट्स कंपल्सरी है, जीरो से पाई बाई टू हो। दूसरा, इंटीग्रेशन में साइन और कॉस होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो हमारे पास है साइन की पावर थीटा, साइन की पावर एम थीटा, कॉस की पावर एन थीटा, डी थीटा, अगर कुछ इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन में है तो फार्मूला होता था गामा एम प्लस वन बाय टू गामा एन प्लस वन बाय टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाय टू, ये हमारा फार्मूला था। अब इसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय टू तो है जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, साइन की डिग्री कितनी है वन, तो एम की जगह कितना आ गया वन, और एन की जगह कितना आएगा टू, तो एम इक्वल टू वन, वन पुट यहां किया वन प्लस वन टू बाय टू, तो गामा वन, एन की जगह टू, टू प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाय टू, तो टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव, फाइव बाय टू, तो ये आ गया ए स्क्वायर बाय टू। इसका सोल्यूशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वैल्यूज क्या होंगे, तो गामा वन तो वन होता है, गामा थ्री बाय टू होता है वन बाय टू रूट ऑफ पाई, टू गामा फाइव बाय टू क्या होगा थ्री बाय टू वन बाय टू रूट ऑफ पाई, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ए स्क्वायर बाय सिक्स, ये इसका आंसर है, क्लियर है, ये आएगा इसका आंसर। अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तब भी ये आंसर आने वाला आपका ए स्क्वायर बाय सिक्स। तो यह है गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने क्लियरली वहां बताया है कि गामा फंक्शन की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो था वो क्वेश्चन पोलर फॉर्म का जिसमें लिमिट्स हमें गिवन थी। अगर आप पोलर फॉर्म में भी लिमिट्स गिवन नहीं हो, उसकी जगह कुछ ना कुछ कर्व हमें गिवन है, तो उसके लिए हम लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है आर क्यूब डी थीटा डी आर को डबल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन लिमिट्स हमें गिवन नहीं है। लिमिट्स के लिए हमें क्या करना है, लिमिट्स के लिए हमें कुछ कर्व गिवन है, जो जिस कर्व से बाउंडेड एरिया है उसके लिए हमें लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। कर्व देखते हैं कौन सा गिवन है, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द सर्कल्स आर इक्वल टू टू कॉस थीटा आर इक्वल टू फोर कॉस थीटा। देखिए यहां पर सर्कल की बात हो रही है कि दो सर्कल्स हमें गिवन है जिसके बिटवीन एरिया हमें फाइंड आउट करना है r इक्वल टू टू कॉस थीटा एंड r इक्वल टू फोर कॉस थीटा के बीच में। तो सबसे पहली बात तो कि सर्किल ट्रेस कैसे होंगे, कैसे ट्रेस होंगे, आपने कुछ सर्किल ट्रेस किए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये सर्किल भी कभी ट्रेस किए नहीं किए तो इनको मैं बता देता हूं। देखिए अगर ओनली इक्वल में टू या फोर होता, सपोज करो फोर होता, इक्वल में ओनली फोर है, तो हमें मालूम है कि ये सेंटर जीरो जीरो होंगे, रेडियस टू होगी और सर्किल कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर इक्वल में फोर एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किल बनेगा वो एक्स एक्सिस में बनेगा, वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पे टच करेगा, कुछ इस तरह से ये सर्किल बनेगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स एक्सिस बनेगा। अगर इक्वल में फोर वाई होता तो सर्किल कुछ इस तरह से बनता, फिर ये वाई एक्सिस के और बनता, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स होंगे इसके, ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये वही पॉइंट होंगे जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर 4x है तो ये पॉइंट होंगे 4,0, अगर 2x है तो ये पॉइंट होंगे 2,0, अगर ओनली x है तो पॉइंट हो जाएगा 1,0, क्लियर है। अगर x इक्वल में x का कोफिशियंट है, कहने का मतलब इक्वल में x का कोफिशियंट है, वो x एक्सिस पर ट्रेस होंगे, y को ओरिजिन पर टच करेगा y एक्सिस को। अगर इक्वल में y का कोफिशियंट है तो वो y एक्सिस पर ट्रेस होगा और x एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा। अगर इक्वल में 2y है तो ये पॉइंट होंगे 0,2, अगर इक्वल में 4y होता तो ये पॉइंट हो जाता 0,4, ठीक है। अब देखिए ये तो है कर्व किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब यहां पे जो इक्वेशन गिवन है
अगर मैं इसमें x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r cos थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 2 cos थीटा, ये इक्वेशन बनेगी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर होगा, x इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, r स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये और ये कर्व सेम है, अगर ये x एक्सिस पर ट्रेस होगा तो ये भी x एक्सिस पर ट्रेस होगा, इसके लास्ट पॉइंट 2,0 होंगे तो इसके लास्ट पॉइंट भी 2,0 तो होंगे, तो ये कर्व r इक्वल टू 2 cos थीटा कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे 2,0। अब वैसे ही एक और कर्व है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4y या फिर 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा का मतलब जब दूसरा सर्किल हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसके पॉइंट क्या होंगे लास्ट 4,0, और 2 क्या होगा उसके लिए सेंटर हो जाएगा, यानी इसे जस्ट डबल बनेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इतनी सी जगह में इसको डबल बनाने की, कुछ इस तरह से, कुछ जस्ट आइडिया दे रहा हूं, परफेक्ट नहीं है मेरा इतना ये सर्किल, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए कि आपको बनाना किस तरह से। तो ये सर्किल बनेगा r इक्वल टू 4 cos थीटा के लिए और ये पॉइंट होंगे 4,0 और 2 क्या होगा इसके लिए सेंटर हो जाएगा। क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो आपको मिल रहा है, अब तक आ रहा है, पहुंच रहा है अब तक। तो ये कुछ इस तरह से दो सर्किल बनेंगे, r इक्वल टू 2 cos थीटा, r इक्वल टू 4 cos थीटा, ठीक है। अगर y होता इक्वल में तो इसके लिए इक्वेशन होती r स्क्वायर इक्वल टू 4 sin थीटा, क्योंकि y की जगह क्या पुट होता sin थीटा, तो कर्व कैसा बनता फिर, यहां बनता, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू 2 cos थीटा और इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू 4 cos थीटा, इन दोनों के बीच का एरिया में फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे करेंगे, एक स्ट्रिप कट होगी, कार्टेशियन फॉर्म में हमने स्ट्रिप कट की थी एक y एक्सिस के पैरेलल, हालांकि वहां x के पैरेलल भी स्ट्रिप कट हो सकती है लेकिन y के पैरेलल की, लेकिन पोलर फॉर्म में स्ट्रिप ओनली r की कट होगी, थीटा की कोई स्ट्रिप नहीं होती है, इसलिए हम उसको पहले सोल्व करते ही नहीं है, हम आर को सोल्व करते हैं क्योंकि आर की स्ट्रिप होती है, थीटा की कोई स्ट्रिप नहीं होती। और आर की स्ट्रिप कहां से कहां तक कैसे कटेगी, अगर कोई दो कर्व के बीच का एरिया दिया हुआ है तो उन दोनों कर्व के बीच में एक आपको सिंपल सी स्ट्रिप शो कर देनी है कुछ इस तरह से, तो ये आर की स्ट्रिप हो गई। अब फिर से वही क्वेश्चन कि सर यहां से यहां तक ही क्यों कट की, यहां भी कट कर सकते थे, यहां भी बिल्कुल कर सकते हो, आप यहां पे भी शो कर सकते हो, आप यहां पे भी शो कर सकते हो, लेकिन चेंज कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि आर की जो लिमिट्स है, आर की जो स्ट्रिप है वो बिटवीन दिस सर्किल टू दिस सर्किल ही रहने वाली है, चाहे आप इस पूरे एरिया में कहीं भी स्ट्रिप को शो कर दो, कोई डिफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो देखिए आर की लिमिट्स कहां से कहां तक है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक, लोअर पार्ट किसको टच कर रहा है, इस सर्किल को, इस सर्किल की इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू 2 cos थीटा, अपर पार्ट किस टच कर रहे हैं, इस सर्किल को, इस सर्किल की इक्वेशन क्या है, ये। तो आर की लिमिट क्या आ गई, आर इक्वल टू 2 cos थीटा से आर इक्वल टू 4 cos थीटा। लेकिन बात करते हैं हम थीटा की लिमिट्स की, क्योंकि आर और थीटा है ना, तो थीटा और आर दोनों की लिमिट चाहिए, तो थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, देखिए यहां से थीटा स्टार्ट होगा, कहां तक, यहां तक वापस, अगर ये है थीटा इक्वल टू 0 और यहां आता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अगर मैं अपर हाफ की बात करूं थीटा के लिए तो लिमिट्स लूंगा मैं 0 से पाई बाई 2 और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अपर हाफ और नीचे का भी एरिया है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का एरिया भी आ जाएगा। या फिर लिमिट्स लो आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जैसा आपको अच्छा लगता है, चाहे तो आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट लो थीटा की, या आप 0 से पाई बाई 2 ले लो, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे जो इजी लग रहा है वो है 0 से पाई बाई 2, तो मैं उसको लेकर चल रहा हूं, आप लोगों को जो इजी लगे आप वो ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखता हूं, क्या लिमिट ऑफ आर, आर वेरियस फ्रॉम, मतलब आर जो है वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 2 cos थीटा 2, आर इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ये तो आर की लिमिट होगी जो वेरी कर रहा है 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, और थीटा की लिमिट्स में लेकर चल रहा हूं, लिमिट ऑफ थीटा, थीटा वेरियस फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, या आप यहां पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिख दो, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हम ये लिख देंगे 2 0 से पाई बाई 2 और 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, आर क्यूब डी आर डी थीटा, जैसा भी आपको करना है अच्छा लगे वैसे कर लीजिए आप, ठीक है।
अब क्या करना हमें, इसको सोल्व आउट करना है, तो सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट सोल्व होगा, क्योंकि आर की स्ट्रिप कटती है, मैंने पहले भी बताया था। तो जब आर के लिए सॉल्व होगा, थीटा की लिमिट्स और सभी उसकी वैल्यूज को कांस्टेंट, 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, आर क्यूब डी आर डी थीटा, इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, अपॉन में 4 आएगा, बाहर आएगा, तो 2/4, 1/2, 0 से π/2, आर की पावर 4, 2 cos थीटा से 4 cos थीटा डी थीटा, क्लियर। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट 1/2, 0 से π/2, तो 4 cos थीटा की पावर 4, 4 cos थीटा की पावर 4, यानी ये हो गया 256 कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 की पावर 4, 16 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 256 में से 16 गया 240, और 240 को मैंने यहां लिख दिया 0 से π/2 कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट? आर क्यूब इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, 4 cos थीटा और 2 cos थीटा लिमिट्स हैं, तो 4 cos थीटा की पावर 4, 4 की पावर 4, 256 कोस की पावर 4 थीटा, 16, 240 यहां आ गया। अब क्या है, कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, और क्या यूज करें, गामा फंक्शन में फिर से यूज कर दूं, क्योंकि साइन और कॉस होने चाहिए, लिमिट 0 से π/2 होने चाहिए, वो हमारे पास है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 120। तो ये साइन की पावर कितनी है, साइन यहां पे नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन की पावर 0 थीटा, क्योंकि सी की पावर 0 1 ही तो होता है, लिख सकते हैं साइन की पावर 0, 0 + 1/2, 1/2, कॉस की पावर 4, 4 + 1/2, 5/2, अपॉन 2 गामा, 0 + 4 + 2/2, 6/2, या फिर 120 रूट ऑफ गामा 1/2 होता है रूट ऑफ पाई, 5/2 होगा 3/2, 1/2 रूट ऑफ पाई, अपॉन में 2, और ये कितना होगा गामा 3, गामा 3 होगा कितना, 2 × 1, गामा एक कम से स्टार्ट होता है, फैक्टोरियल उसी नंबर से स्टार्ट होता है, तो कितना आ गया देखिए स्टूडेंट्स, 120 अपॉन में 2 × 4, 2 × 8 एंड 8 × 16, रूट ऑफ पाई, रूट ऑफ पाई पाई, और 3 मल्टीप्लीकेशन में ये, तो कितना रह गया, 360 upon 16 पाई, या हम इसको लिख सकते हैं 45/2 पाई, हम इसके लिख सकते हैं 45/2 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था इसका आंसर, 45/2 पाई। तो ये अगर आपके पास पोलर फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, लिमिट्स गिवन नहीं है, उसके लिए कुछ कर्व गिवन है, तो कर्व कैसे होगा, कैसे हमें टेस्ट करना है, स्ट्रिप किसकी कट होगी, और कैसे हम उसकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ ये सभी कॉन्सेप्ट हैं। पोलर फॉर्म के लिए कुछ क्वेश्चंस फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की, कहीं मिस्टेक अगर आपको लग रही हो तो वो आप भी लिख सकते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को भी उसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।